हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल टेक इन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्टम यूआरएल के बारे में, चैनल का जो कस्टम हम यूआरएल बना सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने चैनल की यूआरएल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसके लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और हम कैसे अपने चैनल पर इसे लगाएँ और इसके हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे आज। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कस्टम यूआरएल होता क्या है। दोस्तों, कस्टम यूआरएल ये होता है, जब आपने देखा होगा जो मेरे चैनल की लिंक जो है फिलहाल यहाँ पर आपको दिख रही होगी, अगर मैं इसे कस्टमाइज़ कर लेता हूँ तो मेरे चैनल की लिंक हो जाएगी इस तरीके से जो आप देख रहे हो, www.youtube.com/viraltechhindi.sk। तो इसे मैं जो है ना, मेरे ध्यान दे गई, मैं अब इसे याद कर सकता हूँ, ये लिंक मेरे याद हो गई। अब इस लिंक को तो मैं याद नहीं कर सकता जो आप देख रहे हो, ये तो उबड़ खाबड़ लिंक है। अगर हमें किसी प्रकार हमें किसी को बताना पड़ेगा भाई हमारे चैनल की लिंक क्या है, तो हम मुँह ज़बानी बता सकते हैं और किसी को व्हाट्सअप पर किसी पर भी सेंड कर सकते हैं। और अभी देख सकते हैं कितनी आसान हो गई है मेरी ये लिंक चैनल की। तो लिंक तो दोनों ही रहेंगी, दोनों से चैनल के पेज आपका खुल जाएगा, दोनों लिंक आपकी काम करेंगी। तो मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आपको अपने चैनल पर लगाना है। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर आप youtube.com/viraltechhindi.sk। तो यहाँ पर मेरा जो चैनल का लिंक है बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, कोई भी याद कर सकता है और कोई भी इसे खोल सकता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कि इसे अपने चैनल पर कैसे लगाएं, कैसे एलिजिबल हों। इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए और मैं फिर भी बता दूंगा, और कैसे अपने इसे चैनल पर लगाना है तो मैं भी आपको बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र खोलना है, उसमें डेस्कटॉप मोड में अपनी साइट खोल लेनी है यूट्यूब की। इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, और इस तरीके से आप जानते होंगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। चैनल के ऑप्शन पर जाना है, फिर स्टेटस एंड फीचर के ऑप्शन पर आपको आ जाना है। यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आते हैं आपके सामने कई सारे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इन्हीं ऑप्शनों में, इसका नाम है कस्टम यूआरएल। कस्टम यूआरएल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो मैंने तो इनेबल कर लिया है तो अभी फिलहाल तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। एक तो यूट्यूब आपको खुद यूआरएल बना के दे देगा इस तरीके से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सीधी सिंपल। लेकिन आपको दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि उसमें फिर आप क्लिक करोगे तो उसमें आप अपने फॉन्ट ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एसके ऐड कर लिया है इसमें, तो एसके मैंने इसमें फालतू ऐड किया है, तो वायरल टेक हिंदी एसके बन गया है। तो इस तरीके से दो ऑप्शन मिलते हैं इसमें, पहले ऑप्शन में तो खाली वायरल टेक हिंदी आता और दूसरे ऑप्शन में एसके भी मिल गया है। तो अभी मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी इसमें, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 100 सब्सक्राइबर आपके होने ज़रूरी है, चैनल को 30 दिन होने बहुत ज़रूरी हैं, और उसके बाद चैनल पर आपने आइकॉन भी डाला होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ चैनल का जो आर्ट होता है बैकग्राउंड का, वो भी डालना होना पड़ेगा आपको। तो जब जाकर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और ज़रूर अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए, तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कई सी नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए वायरल टेक हिंदी, और गुड बाय एंड टेक केयर।